ने जो फिल्म बनाई थी, फिर वही दिन, जो कि लकवा के ऊपर जन जागरूकता पर आधारित है। मैं अनुरोध करूंगा मुफ्ती बनारस से कि दो शब्द कृपया बोले। इस फिल्म के ज़रिए से बेदारी पैदा कराना मकसद है कि हम इस बीमारी के ताल्लुक़ से बेदार हो जाएं और अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा करें कि आने वाली नस्ल को इस ख़तरनाक बीमारी से बचा सकें। दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई अटेम्प्ट हुआ है कि एक फुल लेंथ फीचर फिल्म इसके ऊपर बनाई जाए? हिंदुस्तान में तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नहीं है, परंतु दुनिया में भी कहीं मैंने ऐसा सुना नहीं ना पढ़ा कि फुल लेंथ फीचर फिल्म किसी ने एक कोशिश की हो। मैंने खुद एक 15 मिनट की एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री टाइप मिर्गी के ऊपर बनाई थी। उसमें क्या क्या खर्चा आया, कैसे दिक्कतें आई, कैसे हमने कोशिश अपने घर के अंदर ही शूटिंग की और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसमें, तो मुझे सब मालूम है। परंतु एक फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाना और उसका सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस से लेके और बाकी सारी चीजें करना, ये वाकई एक काबिले तारीफ चीज है और मुझे नहीं लगता कि शायद इसको कोई और दूसरा कर पाएगा। तो डॉक्टर मिश्रा के लिए जितना किया जाए, जितना ताड़ियां बजाई जाए उतना ही कम है, और ये बहुत बड़ा एफर्ट है। और मेरी एक कल मैंने स्टेटमेंट भी दिया कि जहां तक हो सके इसको दिखाया जाए, यहीं तक सीमित ना रह जाए। तो इसमें सरकार का और जो सरकारी चैनल्स हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि दूरदर्शन पे, राज्यसभा में रीजनल चैनल्स जितने भी हैं, जहां भी इसको दिखाया जाए, तभी ये इसका जो मकसद है वो एक पूरा होगा। पहली पहली फिल्म जो उन्होंने बनाई थी मिर्गी के बारे में, हमें याद है कि राष्ट्रपति भवन में उसका विमोचन हुआ था और काफी पूरी दुनिया में काफी इसकी चर्चा है और आज बड़ी खुशी हुई है। लकवा के बारे में भी ये कार्य करने का, शुभ कार्य करने का मिला, जो एक डॉक्टर के जीवन का एक मिशन होना चाहिए। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर विजय और उनके बड़े भाई प्रोफेसर विश्वम्भरनाथ ये समाज सेवा में अपने पूज्य पिताजी के पदचिन्हों पर चलते रहें और उनसे भी बढ़कर आगे नाम पैदा करें, समाज और देश की सेवा करें। इस फिल्म के निर्माण में जितने लोगों का हाथ है, डायरेक्टर महोदय का, आचार्य जी और जितने कार्यकर्ता हैं, मैं उनको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। हमारी शुभकामना है कि ये फिल्म, इसके इम्पैक्ट बहुत अच्छे होंगे और हमारे छोटे भाई हैं विजय जी, ये अच्छा इसी तरह काम करते रहे, हम लोगों की शुभकामना। आज एक पुनीत अवसर पर ये एक पुनीत कार्य आज यहाँ होने जा रहा है, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे डॉक्टर हमारे बनारस के अंदर मौजूद हैं और हम सब लोगों की जो सेवा है वो ले पा रहे हैं। हम सब की शुभकामनाएं हैं और आगे इस तरह से आगे प्रगति करते रहिए। वन ऑफ द मूवीज मेरे ख्याल से विजय जी, विजय ने मुझे लग रहा है इस वक्त पूरे बनारस में सबसे सुपर हिट पिक्चर ये ही रहेगी। मैं शब्द नहीं है नरेंद्र आचार्य जी के लिए, शब्द नहीं अपने और साथी जो कलाकार सुधाकर मणि जी,
और राजेश जी के लिए पूरी कलाकार टीम के लिए बिग क्लैप ऑल ऑफ यू। हम चाहते हैं रवि जी से दो शब्द यहाँ जरूर बोले। सर ने आपने सोशल वर्क के लिए इस पिक्चर को बनाया है, मैं आपके आचार्य जी को, राजेश जी को, सभी को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, सुधाकर जी को सलाम करता हूँ। लोग पैसा कमाते हैं लेकिन डार साहब सेवा के माध्यम से दुआ इकट्ठा कर रहे हैं। ये सच है कि हम लोग को भी जो डार साहब बताए कि पिक्चर हॉलों के जाना पड़ता है, वह रोक करके पिक्चर को देख रहे थे, इसमें यह था जो अट्रैक्शन था ऐसा, सब लोग उसको देख रहा था। तो बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूं कि आपका सेकेंड मूवी है। मैं चाहूंगा कि आपकी पूरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे ही समाज के लिए, अवेयरनेस के लिए इसको आगे भी बढ़ाइए। हम सब लोग तन मन धन से नहीं, जहां बैठे लोग हैं ये सब लोग सामाजिक लोग हैं, ये सब लोग आपके साथ डॉक्टर साहब आपके टीम में तन मन धन से समर्पित रहेगा, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। केदारनाथ जी से अनुरोध करेंगे दो मिनट स्वच्छता पर जरूर यहाँ बोले, जिससे प्रधानमंत्री का जो संदेश है स्वच्छता पर उसको लेकर हम सब जाएंगे। पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चल रहा है। इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी जो यहाँ से सांसद भी हैं, हम लोगों के नेता हैं, उन्होंने पूरे देश को जागरूक करके स्वच्छता के संबंध में जिस ढंग से जागरूक किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। गांधी जी की आवाज को और गांधी जी की सोच को उन्होंने जमीन पर उतारने का काम किया है। आज पूरे देश का एक एक व्यक्ति स्वच्छता के मामले में जागरूक है। हमें विश्वास है कि उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य तक हम पूरे देश को स्वच्छ रख करके एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जिससे देश के लोगों को बीमारी से बचा सकें और इस देश को का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो सके। मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों से ये आग्रह करते हुए कि हम लोग स्वच्छता को अपने जीवन में, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से पूरी तरह जोड़ करके इस अभियान को सफल बनाएं। आज राष्ट्रपिता का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत रत्न का भी जन्मदिन है। मैं दो मिनट बस जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे जो जाएंगे तो गांधी जी का चरखा रखा है, जरूर वहां 10 मिनट बैठे हैं, थोड़ा भजन करेंगे हम लोग।